स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नीट का एग्जाम अब कितने बार होगा, इसी विषय पे टोटल जानकारी दूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात करते हैं, 2018 में ये न्यूज़ थी कि इस 2019 में एग्जाम दो बार होगा, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम आने के कारण इसको ये खारिज कर दिया गया, एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि इस बार यानी 2020 में, अब 2019 का एग्जाम खत्म हो गया, 2020 का जो एग्जाम होगा उसमें दो बार नीट का एग्जाम लिया जाएगा, नीट का पेपर लिया जाएगा, एक फरवरी में, फरवरी में, और दूसरा मई में, मई जून के आसपास। फ्रेंड्स, ये डिसीजन लेने का कारण ये है कि आप सबको पता है कि इस बार 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, और कॉलेजेस में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम इंक्रीज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स। जितना स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए उससे कई गुना कम नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए MBBS का, जिसके लिए रिलेटेड ये डिसीजन लिया गया है कि अब दो बार होने का चांस है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर दो बार एग्जाम होता है, एक फरवरी में और एक मई जून के आसपास, तो इसमें से जो बेस्ट आपका रहेगा उसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये होने का कारण, ये रीजन ये है कि जो कट ऑफ में इजाफा बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो कट ऑफ को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, पर ईयर 2.5 लाख के प्रोक्स इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्सों की संख्या में कमी लाने के लिए, यानी दो बार एग्जाम हो जाएगा तो कुछ स्टूडेंट्स का जो इतना तेजी से ग्रोथ हो रहा है मेडिकल में, वो शायद थोड़ा सा दो भाग में डिवाइड हो जाए। ये सब के मद्देनजर रखते हुए ये नीट ने डिसीजन, देखिए अब बस आपका है कि नीट के वेबसाइट पे अब इंतजार है कि जल्द से जल्द ये आ जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना राय कमेंट में जरूर दें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।